اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان اجمعين الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين امنوا ويخرجهم من الظلمات الى النور، صدق الله العظيم، وبلغنا وسندنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وعظمته، ان الله وملائكته يصلون على النبي،

देख लेते थे जो सरकार को आते जाते माने हश्र है सरकार का न समझा जाना हश्र हो जाता अगर वाकई समझे जाते उनके किरदार के, के कद नाप रही है दुनिया उनके किरदार के कद नाप रही है दुनिया जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते दिन के जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते मौजत सामीन कराम शफीक बुजुर्गों अजीज साथियों अल्लाह अल्लाज वजल ने जो निज़ाम कुदरत बनाया है जो निज़ाम जिसमें हम आप रह रहे हैं उसको अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तख्लीफ तकसीम फरमाया है एक शे है अल्लाह ताला ने तालम खल़ बनाया दूसरा आलम है आलम अम्र। आलम खल़ जिसको हम महसूस कर सकते हैं छू सकते हैं या हाथ लगा सकते हैं उसको एहसास और इधराक हो सकता है उसको हम आलम खल़ कहते हैं जैसे मिट्टी है पानी है हवा है आग है ये सारे के सारे आम खल की चीज़ें हैं दूसरा है आलम अमर जिसको अल्लाह तमर कन के जरिए से उसकी तख्लीक़ फरमाई है जैसा कि कुरान करीम की तरफ इशारा उसकी तरफ फरमायास अलून नकान रूह वो लोग पूछते हैं कि रूह क्या है आलम अमर फरमाया किन कि अमरी रब्बी फरमाया कि रूह जो है आलम अमर की अशिया में से है फिर दूसरे मकाम पर फरमाया अखल्क वम्र और मैं आलम खल्क भी उसी का है आलम अमर भी उसी का है जब बंदा आलम खल्क की जो चीज़ें होती है उस पर काबू पाता है तो आलम अमर की तरफ का सफ़र शुरू करता है जब बंदा आलम अमर की चीज़ों पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लेता है तो वो मुरीद नहीं रहता फिर वो मुराद बन जाया करता है एक होता है मुरीद दूसरा होता है मुराद मुरीद रब की तरफ सफ़र करता है और मुराद वो होता है रब उसको चुन लिया करता है मुरीद में और मुराद में ये फ़र्क होता है मुरीद अपने मुराखबात लत अपने ज़िक्र अजगाल के जरिए से मेहनतें करते हुए जिस मकाम पर पहुँचता है अल्लाह ताला मुराद को डायरेक्ट उठा करके उस मकाम पर बिठा दिया करता है ये मुरीद रब की तरफ दौड़ता है और मुराद वो होता है जिसकी तरफ रब हम रब हमेशा अल्तफात फरमाया करता है क्यों क्योंकि मुर, मुराद व शख्स की जिंदगी का महवर व मकसद क्या बन जाता है अजकनीश कुरूनी वाला तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा अपनी ज़ात को अपनी सिफात को अपनी तमाम अहवाल को अल्लाह की ज़ात में फना कर देता है जब वो फनाइत के उस मकाम पर पहुँचता है तो फिर तब जा करके वो मुराद बन जाता है जब मुराद मुरीद कौन होता है मुरीद वो होता है अला अउलिया मुरीद है बेशक अल्लाह वाले वो होते हैं अल्लाह के दोस्त वो हैं जिनको कोई खौफ नहीं होता जिनको कोई रंज नहीं होता ना वो इस दुनिया में खौफजदा होते हैं ना आखिरत का खौफ उनको हुज़न और मलाल रहा करता है ये मुरीद के लिए है और मुराद के लिए क्या है अल्लाह युजोर अल्लाह उनका दोस्त बन जाता है ये अल्लाह के दोस्त बनते हैं मुरीद में अलाउलिया ये मुरीद है

तब्दील फरमा दे तो अब अल्लाह के बदल देने के बाद अल्लाह के खुरूज फरमाने के बाद अब और क्या शेय बाकी रह जाती है उनके नज़दीक फिर वो मुराद की मंजिलों पर साहेब मसंद हो जाते हैं और मुतमक्किन हो जाया करते हैं मौजूदा मौजत साम आज का जिक्र जलील और जिक्र मुबारक उन्हीं मुरादों में के एक मुराद हजरत शाह नक्शबंद हजरत सईीद सईदुना वतना शाह सयद शाह सादुल्ला नक्शबंदी मुजद्दीदी कदरीसर रहन नूरानी वलबारी ज़िक्र मुबारक़ा से मनसूब है और आप ही के केिक्र मुबारक से मनवन है मौजत सामीन कराम शफी बुजुर्गों और अजीज साथियों हजरत सादुल्ला शाह नक्शबंदी अली रहमत और रिजवान के मुबारक उर्स शरीफ का मुबारक मौका है इस मौके पर तमामी अहल दकन और साथ ही साथ तमाम अहले सिलसिले नक्शबंदिया सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कोई खदमत बाबरकत में कलेमात तबरीक पेश करते हुए बतलाता बतलाना ये चाहता हूँ कि आप हजरा का ताल्लुक किन पीरों से है किन बुजुर्गों से है किन से वास्ता है खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है हम में तो कोई कमाल नहीं है हम तो धुतकारे हुए ना हमारा जाहिर दुरुस्त है ना हमारा बातिन दुरुस्त है ना हमारी इबादतें ना रियाजतें ना सबका व खैरत किसी शे में हमारे पास कोई कमाल नहीं है बस मुस्तफ़ा ने हमें इन बुज़ुर्गों के ज़रिए से संभाल रखा है यही हमारी असल पहचान है कि जिसको अमामा इकबाल ने कहा था कि जिनके कदमों में जो है ताजे सरे दारा पड़े हुए रहते हैं बादशाहों के सर और उनके तख्त ताज इनके कदमों में पड़े होते हैं उन बुज़ुर्गों से अल्लाह तला ने हमारी नस्बतें जोड़ दी है गुलजार ओलिया में सदी व सन्दी व मुहद महदकन सयदी अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी कादरी कदरी रहमत व रिजवान रकम तराज है फरमाते हैं कि जब हज़रत सदी सादुल्ला शाह नक्शबंदी अली रहम जिनको शाह नक्शबंद कहा नक्शबंद दकन कहा जाता है आप जब मदीन पाक पहुँचे सफ़र हज मुकम्मल हुआ मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि हमारी खुशबी क्या है हमारा ताल्लुक किन इसफ़ से है हमने उन इसफ़ को तक भुला दिया जिनके सदक़े हमें दीन मिला ईमान मिला सारी चीज़ें मिली नेमतें मिली सबसे बड़ी नेमतें यही नेमतें हैं हमने उन नेमतों को भुला दिया मौजत साम शफी बुजुर्गों और अजीज साथियों जो हबीब दावर सल नबी वसाब वसलम के दरबार मुबारक में जब आप तशरीफ़ ले गए तो हबीब दावर सल्ला वसलम ने इका फरमाया और हुम दिया शाह नक्शबंद दकन को शाह नक्शबंद दकन की तरफ जाओ मोजत आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर इल्तफात में आपका शहर शहर दक्कन है उसके जाहिर की भी जरूरतों को पूरा फरमाते हैं बातिन की भी जरूरतों को पूरा फरमाते हैं आपने देखा है आपने सुना भी है अभी इसी महीने के अविर में सयिदी शेख उलाम इमाम आरिफ बिल्ला इमाम सुन्नत मुजदीद दीनो मिल्लत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी फ़जीलत जंगमान है वो भी हैदराबाद तशरीफ़ लाते हैं तो किस हुक्म पर मुस्तफा पर वो तशरीफ़ लाते हैं तो हबीब पाक सल्ला की नजर आए मुबारक में आपकी आने मुकद्दस में आपका शहर हैदराबाद है यकीन है मगर हबीब पाकली वम उसके ज़ाहरी ूम की भी आपकी ज़रूरतों को पूरा फरमा रहे हैं और उलू बात की भी ज़रूरतों को पूरा फरमाने की तरफ मुतव रहते हैं जो आपका तकल्लु और जो पैर का जो उजर था वो उजर बाद में हुआ मगर अल्लाह वाले जो मज़ूब थे उन्होंने आपकी विलादत बात से पहले फरमा दिया था कि ने एक वक्त लड़का आपके यहाँ तवलु होगा जो ज़ाहिर व बातिन में ऐसा यकता रोज़गार होगा जिनसे खल़ कसीर मुस्तफ़ व मुस्तफ़ीद होगी इसफ़ा व इस्ता होगा और बहुत खल़ कसीर आपसे इस्ता फरमाएगी मौजत सामयीन करराम ये होते हैं अल्ला क्यों क्योंकि वो मुरीद बाकी नहीं रहते जब वो मुराद की मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो उनके सामने सारी चीज़ें मुनकशिफ हो जाया करती है वो सारे अहवाल का मुशाह फरमाया करते हैं मौजत सामीन करराम शफीक बुजुर्गों और अजीज़ साथियों आप अफगानिस्तान से जब मदीन पाक की तरफ़ रवाना हुए जब हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ हिंदुस्तान की तरफ़ आपने सफ़र फ़रमाया और आज का जो आपका मद्रास चेन्नई वग़ैरह है उस इन इलाक़ों में आपने क़याम फ़रमाया फिर वहाँ से क़ियाम के बाद वहाँ से रवाना होते हुए आप कर शरीफ तशरीफ़ लाए वहाँ पर आपका क़ियाम रहा फिर वहाँ से होते हुए शहर हैदराबाद का आपने को अपने कदुब मे मनत से मुनवर व मुशर्रफ़ फरमाया तो अभी जो हजरत अपने खलीफ़ा और आपके मुरीद ख़ास जो है हज़रत सईदी मस्किन शाह साहब अली रहमत जो मस्जिद अलमास का जो इलाका अलीयाबाद में कहलाया जाता उस मकाम पर आपने क़्याम फ़रमाया फिर मुख्तफ़ मकामात से होते हुए होते हुए आपने आप आपका जो खानक है मुबारक है उस मकाम पर आपने मुस्तकिलन आपने सुकुनत पजेरी इख्तियार फरमाई और आलम यह था कि आपकी ज़िंदगी का अगर आप पूरा लुब्बे लुब निकालें तो आप ख़ुद भी फरमाया भी करते हैं अपने मलफुज़ात में और आपकी ज़िंदगी का जो लब लुब है वो क्या था आप फरमाते हैं कि सिलसिले नक्शबंदिया क्या है ज़बानी भी तलकिन है उसका अमली नमूना भी आपने पेश फरमाया ऐसा नहीं कि ज़बानी तौर पर तो कह दिया मगर अमल के मैदान से राफरार हम लोग इख्तियार करते हैं हम कहते तो बहुत हैं मगर अमल के मैदान से बहुत दूर नजर आते हैं मगर हज़रत सैद शाह सदाल शाह नक्शबंदी रहमत और रिजवान का मामला ऐसा है आपने फरमाया नश्बंदियत क्या है फरमाया इलाही हो सुन्नत मुस्तफ़ी पर अमल पैराई हो और फिर फरमाया अजीमत को इख्तियार किया जाए तीन चीज़ें फरमाई करने के काम तात इलाही हो इसमें सारी इबादत शामिल हो गई हबीब पाक अलैहि वसल्लम की इतबा हो इसमें इतात से उठ करके जो इतबा का जो ब्रॉड विजन होता है वो विजन को आपने कवर फरमा लिया फिर तीसरी चीज़ आपने फ़रमाया कि अजीमत को इख्तियार किया जाए अजीमत सबसे बड़ी चीज़ है अगर आदमी अजीमत और इस्तकामत अगर हासिल हो जाए तो याद रखिए कि आदमी वो कामयाब व कामरान हो गया कि अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फरमाया, आमिन बिल्ला फमस्तकम दस वसीयत उस शख्स ने कहा अभी व पाक मुझे कोई एक वसीयत फरमाइए बस एक ही कर सकता हूँ उसके अलावा कुछ और नहीं करूँगा आने वाले का सवाल भी देखें हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या रसूल ईमान ला रहे कहने लगे या रसुल्लह मुझे एक ही नसीहत फरमाइए कोई और नसीहत हैं दस पंद्रह में नहीं बेर कर सकता नहीं बर्दाश्त कर सकता मुझे सिर्फ़ एक नसीहत फरमाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान ला और उस पर जब जम जा यही एक नसीहत तुम्हारे लिए काफ़ी है यानी एक ही नसीहत ऐसी कलाम है जवामीम जो अल्लाह ने अता फ़रमाया उसमें सारी चीज़ों का अत्या हो गया ईमान लाओ और उस पर डट जाओ डटने का मतलब क्या है जो उसके लवाजमात है उसका पूरा करना करने के काम करना छोड़ने के काम करना इसी को इस्तेकामत कहते हैं तो मौजत सामयीनकर हबीब पाक सल्ला और आपके बारगाह में ऐसे ही मामल होते एक और शख्स आया आकर कहने लगा या रसोल्ला वसल् भरा मजमा बैठा हुआ है कहने लगा या रसुल्लम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूँ टिटाई देखें साहबा खफा होकर उठ गए या रसोल्ला आप हुम दे इस शख्स को हम सजा देंगे कलम कर देंगे आपकी बारगाह में आकर ऐसी जसारत कर रहा है नहीं आपने फरमाया बैठ जाओ शख्स को खरीब बुलाया जिसको ना कोई दुनिया में अपना कहे उसको अपना बनाना तेरा काम है मौजत स्वामी निकल हबीब पाक ने उस नौजवान को करीब बुलाया बुलाकर कहा ठीक है क्या इरादा है बोले जिना का इरादा है बुराई का इरादा है आपने फरमाया ठीक है अगर मान लो कोई तुम्हारी बीवी के बहन के साथ वालदा के साथ बेटी के साथ बीवी के साथ सारे जो हरुमत वाले रिश्ते हैं उसको तरगीब दिलाई पूछा अगर तुम्हारी वालदा के साथ कोई जिना करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा ऐ, नहीं 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 कैसा होगा वो जो लड़की जिससे तुम कर रहे हो सकता है कि भाई तुम तुम्हारी बेटी के साथ कोई बुराई करे नहीं बहन बोले नहीं बीवी नहीं सारे रिश्ते कह दिए फूफी वगैरह कई रिश्ते बयान फरमाए उसके बाद फरमाया कि तुम जिसके साथ बुराई का इरादा कर रहे हो बुरा काम करोगे वो भी तो किसी की बेटी होगी किसी की बहन होगी किसी की माँ होगी कुछ तो होगी वो सहाब रसूल का दिल ऐसा पलटा वो फरमाते हैं कि उसके बाद जो है मैं वो मशहूर हो गए के किराम में और अच्छा बा मुफसरीन ने मुहदसिन ने यह बयान फरमाया ने हदीस ने कि भाई ने उसको जो समझाया वो समझाने का असर पड़ा जबकि हदीस पाक क्यों एक और टुकड़ा है वो ये है कि आपने अपना दस्ते शफ़त उस नौजवान के कल्ब पर रखा दिल पर रखा दिल कलब उस कल्ब साहबी पर दस्ते मुस्तफ़ा रखा तो फरमाया कि उसके दिल वो फरमाते हैं कि मेरे जिसम से दिल से इरादे ख्वाहिशा तमन्नाएँ सारी की सारी निकल गई और सारे सहाबा में ऐसा मशहूर हो गए कि उसके बाद ज़िंदगी भर नज़र उठा करके किसी खातून को नहीं देखा तो मौज़त सामी ने किराम ये है इस्तकामत और अजीमत इस्तकामत अब फरमाए तीन काम करो अल्लाह की इताद हबीब पाक की इत और इस्तकामत और अजीमत को इख्तियार कर लो ये तीन चीज़ें बड़ी अहमती हो गई तीनों चीज़ें फिर फरमाया के गुनाहों से इजतनाप करो तकबर और गुरूर को छोड़ो और फरमाया बिदात और रुखसत को तर्क करो बड़ी अहम बात फरमाया बिदात और रुसत को आज हमारा मामला ये हो गया है हमारे दीन के मामले में हम अजीमत को छोड़कर कर रुखसत बड़ी मुश्किल से रुसत इख्तियार कर लिए तो बड़ी बात हो गई हमारे पास आप फरमाते हैं कि अजीमत को इख्तियार करो रुखसत को तर्क करो यानि उसको बिदात के बाद रखा आपने जो हजरत की जो सीरियल ऑर्डर है उसको भी अगर आप गौर करें आपके बल्फात में फरमाया कि गुनाहों से इजतनाप करो गुरूर और तकबर को तर्क करो कर करके फरमाया कि बिदात और रुखसत से इजतनाप करो उसको तर्क करो यानी बिदात तो ठीक है वो काम जो शरीय के मुखालफत में जाए वो बिदात कहलाती है बदात सैया अब रही बात रुखसत फरमाया कि रुखसत को भी तर्क करना यानी कोई करने की इजाज़त है हो सकता है कि कोई दलील बन जाए कोई सबील बन जाए कोई एक हीला बन सकता है शर्य तौर पर जहाँ पर आपको मौका है चलने का बोले वो तंग रास्तों से नहीं गुज़रना है सालिक, हक ये इन तंग रास्तों से गुजरने वाले का नाम नहीं है बल्कि ऐसा रास्ता हो कि इन्हीं पत्थरों पर चल कर अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है सख्तरीन रास्तों पर चलने का नाम है अजीमत इसी को कहते हैं रुखसत नहीं अगर सगीदना इमाम हुसैन इमाम आली मक़ाम इमाम हुमाम, रदी अल्लाम अगर दूसरे हज़रा की तरह अगर रुसत इख्तियार करके बैठ जाते तो हम तक दीन बाकी नहीं रहता था दूसरों ने जो किया वो रुखसत है इमाम आली मकाम ने जो किया वो अज़ीमत है आ, तो रुखसत और अज़ीमत को दोनों को समझना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी का पूरा खुलासा ही है आपने ज़िंदगी में कहीं पर रुसत को इख्तियार नहीं फ़रमाया सारी ज़िंदगी आपकी अज़ीमत के इर्द गिर्द फिरती है जैसा एक हाला होता है वो हाला अजीमत है उसके अंदर आपकी ज़िंदगी सरगर्दा रहती है पूरी ज़िंदगी का आपकी पूरा लुब लुब अगर कोई पूछ ले मुझसे कि हज़रत सादुल्ला शाह नक्शबंदी अली रिजवान का ज़िंदगी का ख़ुलासा क्या है तो मैं कहूँगा कि तरक रुख्सत है और आपने अजीमत को इख्तियार फरमाया सारी ज़िंदगी का ख़ुलासा यही है और अल्लाह ताल को भी जो पसंद है अभी आप हज़रत सलूक मजदीदिया में हज़रत मोहदी अली रहमत और रजवान ने भी जिक्र फरमाया कि बोले अल्लाह ताला बंदा जो है सलूक का रास्ता कब तय करता है तो आपने फ़रमाया कि उसके अंदर आजिज़ी व इनकसारी रहे और उसके अंदर वारफ्तगी रहे और शिकस्तगी रहे यानी उसका दिल जला रहे दिल टूटा हुआ रहे वो कब होता है जब ये अजीमत के रास्ते पर चलता है कभी इधर ठोकर पड़ रही है कभी इधर धक्के पड़ रहे हैं कभी दुनिया वाले ताना दे रहे हैं कभी कोई सता रहा है कुछ ये हो रहा है मसाइल बहुत है मसाइब बहुत है मगर उसी राह पर डटे हुए हैं तो फरमाया कि ये रास्ता सलूक के लिए तरीक़त के लिए बहुत अहम तरीन रास्ता है न बचा बचा के तुरक इसे तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज़ तर निगह है साज़ में शिकस्त दिल जब लेकर बंदा जाता है आईना साज के पास यानी रब की बारगाह में वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है दिल जले अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब हुआ करते हैं तो मौजत सामीनकर शफीक बुजुर्गों और अजीज़ साथियोंजूर सईदी मोह अब साद शाह नक्शबंदी अल रमतर रिजवान की हयात मुबारक कैसा आपकी हयात मुबारक में आता है कि आप डेली डेली कह रहा हूँ मैं कम से कम पाँच पारे पढ़ा करते थे तिलावत क़ुरान में और ज़िक्र हम लोग दो हज़ार मरतबा कर लें तो बड़ी बात है आप बारह हज़ार मरतबा जिक्र फ़रमाया करते थे हर दिन का जिक्र आपका जो मुराकबा होता था बारह हज़ार तैदाद का होता था पाँच पारे कम से कम कुरान करीम होता पंद्रह पारों तक के भी आपकी हालात ज़िंदगी में आता है कि पंद्रह पारों तक का भी आपने अहाता फरमाया है तिलावत कुरान करीम हर दिन का मामूल होता आप पूछेंगे कि भाई वक्त कहाँ से मिलता है जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है जब रब उसका है जब मालिक कौन अपना है कौन इन की परवाह कौन करे तो मालिक कौन उनका हो जाए तो वक्त में भी बरकत हो जाती है ज़िंदगी में भी बरकत हो जाती है आमाल में भी अल्लाह ताली बरकतें आता फरमाता है तो मौजत सामीन कराम हमारे पास हम आधा पारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है आधा पारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है नहीं भाई मसरूफियत है ज़िक्र नहीं मन साहब नहीं हो रहा दो हज़ार मरतबा नहीं नहीं हो रहा ठीक है बाबा पाँच सौ पढ़ो नहीं वो भी नहीं हो रहा वहाँ यहाँ तक आ के हम गिर गए हैं तो मौजत सामीन कराम शफी बुजुर्गों और अजीज़ साथियों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत सादुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत अली रिजवान अपनी सारी ज़िंदगी मामूलत चल रहे हैं मसनवी शरीफ़ का दर्श भी चल रहा है एक जम्मे गफ़ीर आपसे आकर के कल़ ख़ुदा आपसे आप आकर के इस्तफ़ा फरमा रही है आपकी हयात मुबारक में अहवाल में ये भी मिलता है कि कई लोग अफ़गानिस्तान के यमन के ईरान के ऐसे बड़े बड़े अजिल्ला लोग आते और आपके दस्त मुबारक पर बैत कर कर करके जाते आपकी हालत ज़िंदगी में आप पढ़ेंगे तो गुलजार अलिया में ख़ुद आता है कि अफगानिस्तान के यमन के ईरान के मुख्त सुस के मुख्तलिफ मकामत के लोग आते बुज़ुर्ग बड़े बड़े आते अरब हज़रा आते और आके आपके दस्ते मुबारक पर बैत करते और फिर वापस चले जाते आपके इसी लिए खलफा की जो तैदा बतलाई गई बहुत कसीर है बाद ने उसको सैकड़ों तक बताया है सौ से ज़ायद की खिलाफ खुलफा आपके जिक्र किए गए मगर बतलाया जाता है कि हज़रत साधुल्ला शाह नक्शबंदी अली के पास लोग आते आकर के बैत कर रहे हैं चले जा रहे हैं जब पूछा जाता कि भाई आपको कैसे पता चला भाई आज का दौर है व्हाट्सअप का दौर है सोशल मीडिया का दौर है कि भाई आम बात फैल रही है कि फ़ला इलाके में कोई अच्छे मुक्रर रहते हैं आलिम रहते हैं बुज़ुर्ग रहते हैं कोई अच्छी तसवुफ़ की बात बुज़ुर्ग है पता चलता है आज का दौर हम समझ सकते हैं मगर आज से आप पुरानी बात अगर आज से पंद्रह बीस साल पच्चीस साल पहले चले जाएँ तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आती अखबार आता तो इतना मिलती कौन जिया कौन मरा क्या रहा क्या नहीं हुआ कभी हुकूमतें बदल जाती आपके पास इतना नहीं मिलती क्योंकि कोई मोड नहीं है कोई कम्युनिकेशन के ज़रा नहीं है दूसरे दिन अखबार आएगा तो आपको पता चलेगा कि फुला मामला हुआ किसी का इंतकाल हुआ हुकूमत बदल गई या नया बजट आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दूसरे दिन पता चलता आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से सौ साल पहले की बात हो रही है कमोबेश एक सदी गुजर गई उस वक्त कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है बात कैसे फैली कैसे पता चला जब बुजुर्गों से जो आने वाले होते उनसे पूछा जाता आपको हजरत के बारे में या आप तो यमन के रहने वाले आपको कैसे पता चला फरमाते कि हमें ख्वाब में हबीब पाक तशरीफ लाए और हुक्म दिया कि दक्कन में एक मेरा मेरा ग़ुलाम है जाओ उनके पास जाकर के बैत हो जाओ उनसे इकतसाब फैज करो हबीब पाक ने हजरत सादुल्ला शाह नक्शबंदी को ही दक्कन नहीं भेजा बल्कि उनके इस्तफा करने वाले मुरीदीन और तलामिजा को भी इंतकाब फरमा करके यहाँ पर रवाना फरमाया मौजत सामीन कराम ये मकाम व मरतबा अल्लाह ताला ने हजरत सईदी साधुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत और रजवान को अ फरमाया मौजत सामीन कराम ये बलंद मकाम मरतबा यानी अल्लाह के नज़र में अल्लाह के हबीब की नजर मुबारक में जो इतना महबूब हो कि हबीब पाक सल्ला वसलम इरादत के लिए उनके पास रवाना कर रहे हैं तो हबीब पाक के नज़दीक हजरत सईदी साधुल्ला शाह नक्शबंदी अली रहमत और रजवान का मकाम व मरतबा क्या है आप इससे अंदाज़ा लगाया कर सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और हुक्मरानों से कोई लेन देन नहीं आज रिवायतों में आता है कि कमोबेश बेश दो से तीन सौ ऐसे अशास गरीब होते जिनके खाने पीने रहने का आपकी खानकाह मुबारका में नजम हुआ करता पहले के लोग खुद न खा कर दूसरों को खिलाया करते मगर माफ़ी के साथ आज हमारे पास तसवुफ यह हो गया है कि गरीब का भी हक है तो हम डुबा कर खा ले रहे हैं गरीब का हक हाँ, मारना आज हम समझ रहे हैं कि अच्छी चीज़ इसको पीरी मुरीदी समझा जा रहा है वो आता तो उनकी नज़र आने वाले की दिल पर कल्प पर नज़र होती आज उनके कल्प के ऊपर वाले जेब पर नज़र हुआ करती है कि कैसा उसको कतरा जाए कैसे उसको काटा जाए कैसे उससे माली फ़ायदा दुनियावी फ़ायदा तमा हासिल करे इसीलिए तो तसवफ़ में जो फ़ायदा फा, है जो उसके अंदर असर अंगेज़ी है क्यों ख़त्म हो रही है कि हमारा मत नज़र बदल गया है हमारा जो टारगेट है गोल है वो बदल गया है पहले के लोग आते तो कौन है अपना है पराया है नहीं देखते सब आते सबको सीने से लगाते क्यों, क्यों? क्योंकि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल होता जिनको ना कोई दुनिया में अपना कहे उनको अपना बनाना तेरा काम है ये जो सुन्नत मुस्तफ़वी है इसी सुन्नत मुस्तफ़वी के कदम बर कदम चलना यही हमारे असलाफ का कारनामा रहा है मौजत सामीन कराम और वालद ग्रामी आहमत व रजवान फरमाया करते हज़रत सीद सादुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत क्योंकि हर मुख्तलिफ अम्बिया कराम की मुख्तलिफ़ क़दम मुबारक पर एक एक मनसूब होती है यानी जो मुखिबात होते हैं जो लतफ़ होते हैं हर लतीफा हर एक नबी के ज़ेर कदम होता है कल्ब है रूह है सिर है खफी कल्ब जो है हज़रत सैदुन आदम साम फ़िर उसके बाद रू चले जाएँ हज़रत इब्राहीम आसलम फिर हज़रत इस तरह हज़रत ईसा आसलम मूसा सलम मूसवी बैत मूसवी और अलग अलग हज़रत आदमी मशरब वग़ैरह अलग अलग मशरब होते हैं तो आखिरी वाला जो है अख़फ़ा, जो खरीब तरीन सबसे टॉप होता है वो जो है ज़ेर क़दम मुहम्मदी होता है वो नूर मुहम्मदी के ज़ेर कदम होता है वो उसको कहते हैं ज़र कदम में हबीब पाक सल्ला वापा फरमाते कि आप जो है आपकी जो सिलसिला है आपका जो इरादत है वो हबीब पाक सल्ला वसम के ज़ेर क़दम में फ़रमाया करती है यानी आपका जो मकाम व मरतबा है चूँकि हबीब पाक का इंतबाब है और जो पिर मुर्शिद और जो शख्स जो तालिब और सालिक जिस राह पर होता है उसका अतबार उनकी तबियतों के मुआफ़ होता है उनकी तबियतों के मुआफ़ होता है जैसे मिसाल के तौर पर रूह है रूह जो है आलम मलकूत की चीज़ें हैं रूह आलम मलकूत की चीज़ें हुआ करती है तो आप देखें हज़रत सैदुना इब्राहीम को अल्लाह ताली ने उनके ज़ेर कदम लतीफ़ रूह को रखा लतीीफ़ रूह हज़रत इब्राहिम इब्राहीम के ज़ेर क़़द है और हज़रत इब्राहिम आलम को अल्लाह ताल ने जो नब अता फ़रमाई वो मलकूती नबौ वक़ा कनूरी इब्राहिम मलकूत वल अर्द और इसी तरह हमने इब्राहिम को दिखाया ज़मीन व आसमान की मलकूत दिखाए तो इसका ताल्लुक ख़ास होता है तो जब नूर महमदी यानि जेर कदम महमदी है जब आपका जो फ़ैज़ है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर अक्स महमदी हबीब पाक की तजल्लियात का अनवार का अक्स भी फिर इनके तसवफ़ और तरीक़त पर रास तौर पर पढ़ा करता है तो मज़्जत सामीन कराम शफीक बुजुर्गों और अजीज़ साथियों हज़रत सादुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि व रिजवान अपने फ्यूज़ व बरक़ात से एक जमे गफ़ीर को बड़े बड़े अजिल्ला जो आपके दरबार में आया करते आपके मुद अगर आप खुलफा जो मशहूर खुलफा है जिनमें हज़रत सैयद मस्किन शाह साहब रहमत आप उठा लें कि बाबा हुजूर फरमाते थे हज़रत मस्किन शाह साहब अलैहि रहमा के शहर दक्कन में कम से कम एक लाख से ज्यादा मुरीदीन थे मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा आप अंदाज़ा लगाइए मुरीद का हज़रत मिस्किन साहब अली रहमा का ये हाल है कि आपके कमो बेश एक लाख मुरीदीन से एक लाख से जायद मुरीदीन थे आपके तो शहर दक्कन में आपके फैले हुए थे तो मौजूद सामिन के मुरीदीन का ये आलम है खुलफा का और दूसरे हजरत हम आप बखूबी जानते हैं हज़रत बहरुम हज़रत अब्दुलर हज़रतिया रहमत और के नाम से मशहूर है आपके व व व व व वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्कदीर अब्दुल्कदिर है गालबन हज़रत अब्दुल्कदिर हैं अब्दुल्कदिरर हैं अब्दुल्कर है, है, है ालिबन वो भी हज़रत सादुल्ला शाह रहमत आ खला में से आपका बीतालु आपके खलफ़ा की ऐसी ऐसे खलफा जो जाहिर और बातिन में यकता ज़माना है जिनका ज़माना नाम लें आप हजरत की किताबें पढ़ लें हज़रत आपके जो साथी थे हज़रतमान साहब उस्मान नक्शबंदी अली वो भी अपने वक्त के बड़े जलील कदर आप उनकी हज़रा की किताबें पढ़ेंगे खिलवत दर अंजुमन एक किताब है मुस्तिल एक किताब छपी है हाल ही में छपी है हैजरत आप जो है हज़रत के बारगाह से जो खानवा खानका है हज़रत की घाँसी बाज़ार में वहाँ से हासिल कर सकते खिलवात दर अंजुमन एक किताब है वो किताब का आप मुताल फरमाइए तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कलवी रूहानी कैफियात का इज़हार हो रहा है आप दंग रह जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो आप खाली महू हो जाएंगे उसमें जो लज्ज़त होगी जिसको जिसको इसका जौक होगा वो बड़े लुत्फ के साथ और मज़े के साथ पढ़ेगा तो मौजत सामी निकला जब आप पढ़ें कल्वत दर अंजुमन इसको कहते हैं कि आदमी जो है अपने आप में मजलिस में रहे अंजुमन में रहे महफ़िल में, में रहे मगर उसके बावजूद भी वो तन्हा रहे यानी उसका कल्ब तन्हा रहे उसका जिसम तो महफिल में, में है मगर उसका कल्ब याद इलाही में लगा रहे यार के दरबार में हाजिर बाश रहे यानी उसको उसका कल्ब को हजूरी कल्ब हासिल हो जाए हजूरी अल्लाह की बारगह की हुजूरी अता हो जाए तो मऊज साम कराम नक्शबंदी सिलसिले का जो फ्यूज़ व बरक़ात हजरत पीर गुलाम अली शाह अच्छा वहाँ से होते हुए आपने दिल्ली शरी दिल्ली तशरीफ़ ले गए और अपने पिर मुर्शद की खिदमत बाबरकत में बारह साल रहे आप बारह साल तक आपने खिदमत में आपके अपने परो मर्शद के रहे पी गली शाह रमतल जिनकी बारगा जो है दिल्ली में जो पुरानी तुर्कमान गेट से अगर आप चितली ख़बर की तरफ़ अंदर बढ़ जाएँ तो वहाँ पर बारगा हज़रत महर जाने जाना अली रहमत व रिजवान की तो आपके खलीफ़ा हज़रत ग़ल अली शाह नक्शबंदी अली रहम हज़रत गुलाम अली शाह रहत आल के खलीफ़ा हज़रत साद शाह साहब रम्ह तो शहर हैदराबाद में जो पहली मरतबा जो आपका फ्यूज़ आया है नक्शबंदी सिलसिले का पहले भी आया है यकीन मगर जो बाबा तौर पर जो सिलसिला फैला है उस सिलसिले की बरकतें अल्लाह ने हज़रत पीर सादुल्ल शाह नक्शबंदी अली रहमा के फ़्यूज़ वरक़ से आपके बारे में आता है आप दिल्ली शरीफ तशरीफ और वो भी हुक्म खुदाबंदी के ज़रिए से हुआ कि जाओ गुलाम अली के पास उनका नाम अब्दुल्ल है अब्दुल्ला लोग उनको अब्दुल्ला के नाम से नहीं जानते थे गुलाम अली के नाम से जानते थे मगर जब मालूम हुआ कि हज़रत गुलाम अली शाह नक्शबंदी दहलवी रमत का नाम असली नाम अब्दुल्ल है आप पहुँच गए पहुँच करके मस्जिद में इंतज़ार में बैठे हुए हैं हज़रत पीर गुलाम अली शाह नक्शबंदी आली रहमा अंदर मुराकबे में हैं आपने अपने खानका में कोई नहीं है मस्जिद में कोई खाली बैठे हुए हैं आपने अपने ग़ुलाम को अपने खादिम को कहा कि जाओ जाकर मस्जिद में जो है उनको बुला कर लाओ कौन है देख कर आओ वो गया जा कर के देखा देख कर आकर कहने लगा वहाँ पर तो एक यानी पैर का माजूर शख्स इनको हम लंगड़े कहते हैं पैर के माजूर है एक शख्स बैठा हुआ है उसके अलावा कोई नहीं है आपने फरमाया उन्हीं को बुला कर लाओ जब बुलाया गया बुला कर आपने जब उनको अपने कल्बे मुबारक से चिमटाया और कल व मुबारक से कल मिले तो मौजत सामयी कराम उसके बाद सारी दुनिया रोशन हो गई और आपने फरमाया मैंने अपना सारे का सारा फैज़ तुम्हारे अंदर मुंतकिल फरमा दिया है उसके बावजूद आपने बारह साल अपने पीर मुर्शीद की खिदमत में रहे फिर वहाँ से होते हुए आपने दकन की तरफ अल्तफात फरमाया और दकन की तरफ तशीफ़ लाए मौजत सामयीन कराम ये है एक मुख्तसर सखा का हज़रत सगीदी पीर साधा शाह नक्शबंदी अल रिजवान का आज भी आपका खान आपका जो मज़ार मुबारक है घाँसी बाज़ार में अपनी सादगी के जो नक्शबंदीत की जो सादगी है आपकी मज़ार मुबारक भी उसकी जीती जागती तस्वीर है जो सादगी है ना हमारे हमारे पास सिलसिले नक्शबंदिया में जिक्र भी है तो ख़ामोशी से खफ़ी है हर चीज़ में ख़ामोशी है आप जाएंगे तो इतना सुकून और लजत महसूस करेंगे अगर आदमी दिल कहीं दुखा हरा है कहीं दिल टूटा हुआ है कहीं उसका दिल नहीं लग रहा है तो कुछ देर जाए जा के एक आधा घंटा मुराकबा हज़रत की बारगाह में बैठ जाए जो रेती की दरगाह के नाम से भी मशहूर है तो आदमी की कल जो मैलान है हज़रत की तरफ होगा और उसकी बेचैनी और बेकरारी को अल्लाह ताला जो है अपने फसलो करम से दूर फरमा देगा तो चूँकि हज़रत के उर्स शरीफ़ की कल ही तकारीब है दो रोज़ा तकारीब का कल से आगाज़ होने जा रहा है तो इस जुम्मन में आ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मौलाना हाफिज़ शेख़ फरोज़ साहब नक्शबंदी साहब मुद्दत फूज हो और उनके जमी जमीफ़ा को हज़रत पीर सादुल्ला शाह नक्शबंदी अली रहमत व रिजवान के इस मुबारक उर्स शरीफ के मौके पर इसका एक हज़रत की एक, एक, एक मुख्तर ख़ाका पेश करने की सालत हासिल की गई अल्लाह पाक हमें और आपको हज़रत हजरत सिलसिले नक्शबंदिया के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तिद व मस्तफ़ी फरमाएँ मशाक़ सिलसिले आलिया के बारी बारिया अनवार और तजलियात और मुराखबात और लतफ को हम पर जारी वह सारी फ़रमाएँ हमारी दुआओं को इन पीराने तरीक़त के सदके व तो कबूल फ़रमाएँ हमें नक्शबंदियत में ज़िंदा रहने और इसी में ख़ात्मा फरमाएँ आमीन बिजा ताहव या बहमती हमर अलहमदिल्ला